तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगी, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ टाटा नेक्सॉन 2024 फेसलिफ्ट वेरिएंट का रिव्यू, जो कि है एक्सेट प्लस क्रिएटिव एडिशन, जो कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसमें आपको इंफोटेनमेंट भी मिल जाता है, बट सनरूफ नहीं मिलती है। और चाबी से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले चाबी देखते हैं, तो वही टिपिकल चाबी है टाटा की। और लॉक अनलॉक फॉलो में हेडलैम्स एंड बूट ओपनिंग फीचर मिल जाता है। पियानो प्रैक्टिस में आती है, पीछे क्रोम में लोगो इसका चमक जाता है। बाकी गाड़ी को सामने से देखते हैं तो काफ़ी चंकी लगती है, और चाबी भी दोनों दी गई हैं, कोई भी चिप शॉर्टेज का इशू नहीं बताया गया है इसमें। सो सामने से देखने में बहुत चंकी लगती है, नया वाला पूरा डिज़ाइन दे दिया गया है, टाटा का लोगो है। और साइड्स में देख सकते हैं आप, फॉग लैंप मिसिंग है, नेक्सॉन की ब्रांडिंग है, मतलब आगे उन्होंने नेम प्लेट पर लगा रखा है, जैसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे फॉग लैंप मिसिंग था, पूरे ये हेडलैम्प दिए गए हैं। वो जो DRLs देख रहे होंगे बिल्कुल नया पैटर्न पे आते हैं, जो कि टाटा करवाने वाली है इस क्वार्टर ईयर में, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और पियानो ब्रैक फिनिश में ये दिया गया है, जिस पर काफ़ी स्केचेस आ सकते हैं, तो उसको मेंटेन करना आप लोग के ऊपर है। सो आप लोग कर लेंगे अच्छे से मेंटेन। और यहाँ पे अलॉय व्हील देखते हैं, अलॉय व्हील भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, और मतलब इस वेरियंट से अलॉय व्हील मिलना शुरू हो जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और रिक्वेस्ट पैसेंजर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे आप बिना चाबी के डोर को लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर टायर साइज भी मिल जाता है, 16 इंच का टायर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि ज़्यादा लोअर वेट टायर नहीं मिल रहा है, 16 इंच का मिल जाता है। और पीछे टेल लैम्प कनेक्टेड वाला फील आता है, क्रोम में टाटा का लोगो है, नीचे नेक्सॉन है, कोई भी बैजिंग मेंशन नहीं की गई है। साइड में इसके काफ़ी चंकी कर्व्स है, आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स एंड जो रिवर्स लैम्प है वो भी दिया गया है। और बीच में जो टाटा लोगो के ऊपर आपको स्टॉप लैंप मिल जाता है, नीचे नंबर प्लेट मिल जाता है, नंबर प्लेट और दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जो कि काफ़ी ख़राब बात है, क्योंकि इतना पैसा दे रहे हैं और दो पार्किंग सेंसर एक सेफ्टी कंसर्न बन सकता है। बट वैसे टाटा की गाड़ी बहुत सेफ्टी होती हैं, क्योंकि 5 स्टार रेटेड है, 12 NCAP में 2024 वाली। और यहाँ पे पीछे रिवर्स कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे स्टॉप लैम्प मिल जाता है, कनेक्टेड टेल लैम्प का पूरा फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टाइगर एनग्रेव है, आप सब देख पा रहे होंगे, जो छोटा भी मेरा देखा होगा आप लोगों ने, वैसे टाइगर एनग्रेव है, काफ़ी अच्छी बात है। टाटा की हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ एनग्रेव होता है। और थोड़ा सा लाइट के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, यहाँ पे 50 ईयर की बैजिंग मिल जाती है, जो कि कॉमन हो गई है। और साइड में देखेंगे तो पूरा ऊपर से भी आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है, डोर हैंडल्स एकदम बॉडी कलर्ड है, और काफ़ी क्लैडिंग भी चंकी है, मतलब लगी हुई है इसमें भी बॉडी कलर्ड है, वो भी थोड़ी बहुत है जो, और यहाँ पे मतलब चंकी क्लैडिंग से आपको बता ही दिया मैंने। ये जो गार्निश देख रहे होंगे आप, ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में है, एंड लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्रीमियम है, 5 स्टार 12 NCAP में आ जाती है। और अब अगर इसके इंजन की बात करें तो 49 CC का इंजन आ जाता है, जो कि 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल 1.56 MT गेयर बॉक्स के साथ में आता है। काफ़ी मतलब एग्रेसिव इंजन है, 4 सिलेंडर है, इन लाइन है, और 4 वॉल्व्स भी इसमें आपको मिल जाती है देखने को। उसी के साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 113 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है, जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत ही ज़्यादा हार्श इंजन नहीं है। और ऊपर से अगर आपको बताओ तो रूफ रेल जो है काफ़ी फंक्शनल है, काफ़ी मतलब लोकल नहीं लगती देखने में। और जो ORVM दिया गया है, इस पर साइड में ही TRL का ऑप्शन दे दिया गया है, और ये इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है, और बॉडी कलर डी हैंडल मिल जाता है, उसके ऊपर से सेंसर मिल जाता है, रिक्वेस्ट और की लगाने का फीचर मिल जाता है। और अगर मैं क्रीज की बात करूँ तो क्रीज देखिए काफ़ी अच्छी डाली गई है। बाकी ओवरऑल लेंथ की बात कर लेते हैं, और विथ की चौड़ाई की बात करते हैं तो 1804 mm की चौड़ाई मिल जाती है इसमें, और 1625 mm की हाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा देती है फील और लुक एंड फील। तो अगर व्हीलबेस की बात करते हैं तो 2498 mm का व्हीलबेस आ जाता है, जिसकी वजह से अंदर बैठने में लेग रूम जो होता है काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो लेग रूम है काफ़ी अच्छा है, वो मैं अंदर बैठ के आपको बताऊँगा। बाकी अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 3995 mm की लेंथ मिल जाती है, जिससे ये सब 4 मीटर के अंदर में आ जाती है, और इसमें जो चार्जेस है टैक्सी स्टेशन वो थोड़ा कम हो जाता है। आपको बताया सीवी के स्टैंड में आती है तो 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड है। सो गाइस चलिए फाइनली अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पर मुझे चाबी को पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो ये पूरा गेट है यहाँ पर, और यहाँ पे देखा हूँ तो मैं आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, और यहाँ पे प्लास्टिक है, और यहाँ पे मैच दी गई है, यहाँ पे पावर विंडोज है। पहले मैं अंदर बैठ जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। फिर यहाँ अंदर बैठने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सीधे आपको चढ़ जाना होता है, और चढ़ने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। और थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस कर लेता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू वाला है, जो थीम है इस पर बेच पूरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस प्यार ब्लैक में दिया गया है, कोई भी स्केचेस अभी तक नहीं दिख रहे, बट स्केचेस विजिबल हो जाते हैं यहाँ पर भी जैसे दिया हुआ है। और साइड से अगर आपको दिखाने की बात करूँ मैं तो यहाँ पे क्रोम में फिनिशिंग दी गई है, और लॉक दिया गया है, और इधर भी एडजस्टेड ORVM दे दिए गए, पावर एडजस्टेड ORVM दिए गए हैं। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं ORVM, अभी मैं किया ऑन करके आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं 1 लीटर की बोतल आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट आ जाएगी आराम से 1 लीटर की बोतल यहाँ पे। और यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है, और यहाँ पे टूटर दिया गया है। तो गेट की बात हो गई है पूरी फिनिश, तो चलिए अंदर से बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का पूरा व्यू। सो अंदर से देखने में कुछ ऐसी लगती है, सो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो मैं आपको एक बार इसका लुक एंड फील दिखाता हूँ अंदर से कैसे आता है। पूरा न्यू एकदम फील आता है यहाँ पे टाटा का,
और अगर मैं दिखाऊँ हैंडल से आपको, तो हैंडल पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक तो एसी इसका काफ़ी बढ़िया चल रहा है, एकदम पूरा पैरों प्यारा है। सकता टाटा ने अपना वोल्टास वाला एसी इसमें लगा दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है। ये कोई एलईडी लोगो तो नहीं है, बट मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे डॉट से एलईडी लोगो बनाया गया है। यहाँ पे हॉर्न देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एयर बैग्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड सारे बटन मिल जाते हैं जो अभी आपने देखा होगा पहले ही। तो वहाँ पे कुछ भी इल्यूमिनेशन नहीं था। यहाँ पे ब्लूटूथ है, यहाँ पे फ़ोन उठाने का, कट करने का, म्यूट करने का, वॉइस वॉइस कमांड दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे एमआईडी को कंट्रोल करने का फीचर दिया गया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले एमआईडी की बात कर लेते हैं, फिर किसी और की बात करते हैं। उसमें थोड़ा सा फोकस करता हूँ और दिखाता हूँ एमआईडी में क्या क्या आपको मिल जाता है। अगर मैं एमआईडी में दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे लेआउट मिल जाता है और नोटिफिकेशन बाय व्हीकल इन्फो। सो व्हीकल इन्फो में देख सकते हैं टायर प्रेशर दिखा रहा है। इसमें डीपीएमएस भी दिया हुआ है, 20 लेफ्ट में, 29 लेफ्ट बैक में, एंड राइट में 29 PS आ गया, 27 PS आ गया, ऐसे करके दिखा रहा है। और सो प्रेस करके वो टू मेन मेनू वापस से हो सकता है, और इसी सेम बटन से सारा काम हो जाता है आपका ऑपरेट। यहाँ से ओके प्रेस एंड बैक सब यहीं से होता है। और ड्राइव असिस्ट की बात कर लेते हैं, तो आप कैसे ड्राइव करते हैं उस सब यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा। ट्रिप इनपो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं आराम से, तो ट्रिप ए ट्रिप बी जो भी होता है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही कर सकते हैं आप, रीसेट करना और रीसेट कर दीजिए। बाकी चलिए मैं पहले बैक जाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे प्लस मेनू कर गए, सेटिंग्स में देख सकते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग्स में क्या क्या मिल जाता है आपको, क्लॉक मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है, फेवरेट मेनू सिलेक्शन मिल जाता है, फैक्ट्री रिसेट मिल जाता है, जिससे आपका पूरा ये एमआईडी जो है वापस एक क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे लेआउट की बात करते हैं, तो आपको ड्यूल व्यू, डिजिटल व्यू, डिजिटल व्यू की बात करें तो यहाँ पे ऐसा आ जाता है व्यू, काफ़ी सही लगता है ये भी। और दूसरा लेआउट देखते हैं आपको, डिजिटल व्यू ऐसा लेआउट आ जाता है राउंड वाला। एंड अगर मिनिमल व्यू की बात करें तो एकदम बेसिक से भी आ जाता है, मतलब जो कि इजी टू ऑपरेट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से वहीं पर सेट कर देता हूँ। सो सेटिंग्स इनफो ट्रिप इनफो ड्राइव असिस्ट व्हीकल इनफो मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हीकल इनफो देख चुके हैं आप, नोटिफिकेशन लेआउट सेटिंग्स ये सब वापस से आ जा रहा है। बाकी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे पेट्रोल दिख जाता है आपको, यहाँ पे इंडिकेशन दिख जाता है उसका, यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा हुआ है वो दिख जाता है, कूलेंट टेम्परेचर दिख जाता है, एंड यहाँ पे गाड़ी कितना चली हुई है शुरू में 58 किलोमीटर कैसे, मतलब ये जो लाते हैं जहाँ पे इनका ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ से, जो थोड़ी दूर उससे पहले लाते चला के फिर यहाँ खड़े करते हैं वो दिखाता है। बाकी यहाँ पे ये दिख जाता है आपको, साइड में लाइट जली वो दिख जाती है, सिटी मोड में, इको मोड में, कैसे मोड में वो सब दिख जाता है, और टेम्परेचर दिखा रहा है गाड़ी का अभी अंदर कैसा है। और यहाँ पे भी एयरबैग दिए गए हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल मिल जाता है रखने वाला, इसमें आपको कोई भी वो नहीं मिलता है विनेटी मिलर। एंड ये साइड से देख लेते हैं, तो साइड से कुछ ऐसा होता है एक्सटेंड होता है, सो ऐसे एक्सटेंड नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो ये ऐसे में फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे एलईडी आपको लैम्प्स मिल जाते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली एलईडी लैम्प से। यहाँ पे ऑन ऑफ का दिया गया है, एयरबैग ऑन ऑफ का बैटिंग दी गई है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे वेंटी मीटर मिल जाता है, और इसी लाइट से शायद आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, शायद ये प्रोजेक्शन वाली लाइट होंगी। सो अभी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन रात में अगर होगा तो प्रोजेक्शन वाली लाइट आएगी और काफ़ी अच्छा देंगे। यहाँ से आपको दो बटन कुछ नहीं दिया गया हुआ है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एडिशन लेते तो उसके ऊपर आपको सनरूफ भी मिल जाती, बाकी तो कोई भी ऐसा नहीं दिखाया है। चलिए पहले मैं लाइट्स जो है अभी खुली हुई, और अगर आयरमैन की बात करूँ तो डे नाइट आयरमैन मिल जाता है, जो साली गाइस कुछ तो अच्छा है, मतलब ऑटो तो नहीं मिला लेकिन डे नाइट तो मिल गया। और अगर मैं साइड से दिखाऊँ, तो आपको ये वारवीम जो है यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए आप देख रहे हैं ये एडजस्ट हो रहा है यहीं से, तो इसी से हो जाता है, और ये ऑटो अनफोल्ड और अनफोल्ड नहीं होते मेरे हिसाब से वैसी बंड से। और यहाँ पे फिनिश फिट एंड फिनिश की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा क्विड टाइप का पैटर्न दिया हुआ है छोटे छोटे उसमें, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये भी प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच यहाँ पे नहीं दिया गया है। पूरी बॉडी पे बात करो तो यहाँ पे भी पूरा सॉफ्टेस्ट तो नहीं है, सब हार्ड प्लास्टिक है, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो इनका ये जो नया वाला डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, जो एकदम पूरा व्यू देखते हैं पीछे से कोई एकदम टॉप गाड़ी जा रही है मतलब। और यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है, उसके साथ में क्विड पैटर्न लगाया गया है, और यहाँ पे एसी कंट्रोल करने का मतलब एसी को इधर उधर करने का वेंट्स दिए गए हैं। बाकी स्टेयरिंग जो है कवर मेरे हिसाब से तो नहीं अभी, हाँ जी हाँ कवर तो नहीं चढ़ा हुआ है इसमें। बाकी यहाँ पे देखते हैं जिस कलर की गाड़ी लेते हैं आप, उस कलर का यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जिस वेरियंट का लेते हैं वहाँ पर ये आपको मिल जाता है। यहाँ पर इल्यूमिनेटेड लोगो आपने देख लिया, यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपको जो है ऑटो नहीं मिलता है, हाँ, और ये जो है आपको लाइट्स, तो ये भी लाइट्स ऑटो भी ऑटो नहीं मिलती, वाइपर भी ऑटो नहीं मिलता, लाइट्स भी ऑटो नहीं मिलती है। सो गाइस अब हम चाबी बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पे इन डबल इंडिकेटर चल जाता है ऐसे, सो टच करने से होता है, ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता जो आपको लगता होगा कि आप हल्का सा टच करेंगे हो जाएगा, प्रॉपर टच करना पड़ेगा आपको। यहाँ से बूट ओपन हो जाता है, यहाँ से लॉक अनलॉक हो जाती है गाड़ी पूरी, और ये जो यहाँ पे है पूरा यहाँ पे फिनिश में स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। बाकी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे तीन मोड आते हैं, ईको स्पोर्ट्स एंड सिटी, काफ़ी डायल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है गाइस, देखिए कितना स्मूथ है।
मुझे कोई फील तो नहीं है। और अगर इसकी बात करें हैंड ब्रेक की, तो यह ऑटो वाली नहीं है, मैनुअली वाली है। यहाँ पे एक आपको होल्डर, ग्लास होल्डर मिल जाता है, और कोई भी आर्मरेस्ट रखने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। और सीट बेल्ट तो एडजस्टेबल, सो गाइस सीट बेल्ट घूमने वाली तो दी है, एडजस्टेबल एडजस्टेबल नहीं है सीट बेल्ट। बाकी यहाँ पे वही अपना पुराना वाला जो आता था आर्मन कार्डन वाला, वो मिल जाता है। सो इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको यहाँ पे। सो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एफएम रेडियो और सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको एयर कूलर मिल जाता है, और रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। मतलब एफएम रेडियो एंड ये सब मिल जाता है, यहाँ से पावर ऑफ ऑन ऑफ हो जाती है, म्यूजिक का सिस्टम मिल जाता है, होम पे आ जाते हैं आप, यहाँ पे एप्पल ऑटो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल रहा है आपको यहाँ पे। सो गाइस ये यूएसबी वाला है, वायरलेस तो नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। और ग्लोब बॉक्स की बात करूँ तो मैं, ग्लोब बॉक्स अपने कुछ टाटा के बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से होती है, और यहाँ पे जो सब बटन है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ इस साइड में दिया गया हुआ है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे कैन गए राइनो जी, यहाँ टायर, यहाँ पे टाइगर एनग्रेवर जो आपने छोटा भीम वाले में देखा होगा, वैसे टाइगर सेम एनग्रेवर काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट दिया गया हुआ है, ग्लास होल्डर रख सकते हैं आप, दो ग्लास रख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी डीप स्पेस है। और कूल्ड, जी हाँ ये कूल्ड है और काफ़ी ज़्यादा डीप है, आप मानेंगे लिटरली पूरा वहाँ तक जा रहा है, अच्छा खासा सामान आप रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा दिया गया हुआ है। बाकी सीट्स की बात करें तो यहाँ पे लेदर में सीट्स है, और कुछ कलर कॉम्बिनेशन सीट का मैच किया गया। अगर मैं आपको दिखाने को कलर देखेगा आप, कलर काफ़ी अच्छा दिया गया हुआ है यहाँ पे पर्पल कलर का, और ये ब्लैक हेडरेस्ट में दिया हुआ है स्टिचिंग के साथ में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ग्रो ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है। अब चलिए जल्दी से पीछे चलते हैं, आपको दिखाते हैं पीछे से कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, बट पता नहीं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, वर्क कर रहा है भी नहीं कर रहा है। देखिए एक बार प्रेस कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट सॉरी क्वालिटी आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रही होगी, क्योंकि फोकसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। और चलिए जल्दी से पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और स्टार्ट ऑफ दिखा देता है आपको, स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया हुआ है तो काफ़ी कन्वीनियंट लगता है ऐसा। और चलिए पीछे चलते हैं, और यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स मेरे हिसाब से देना चाहिए, पर यहाँ पे जगह रखने के लिए, सामान रखने के लिए, थोड़ा बहुत सिक्योर रखने के लिए जगह दिया है। और मैनुअल है तो यहाँ पे पैडल्स मिल जाते हैं थ्री, जैसे अपना नॉर्मल होता है, और गियर कुछ ऐसा मिलता है, रिवर्स लगाने का तरीका वैसे ही अपना, यहाँ से डाल के क्लच डाल के यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, यहाँ से क्लच ऐसे इसको पुश करिए और यहाँ से ऐसे बैक हो जाता है। और यहाँ पे भी थोड़ा सिक्योर रखने के लिए जगह दी गई है। चलिए पीछे चलते हैं, चाबी हम यहाँ रख देते हैं और पीछे से आपको बताते हैं। तो पर्याप्त तो उसका थर्ड क्वालिटी जो है काफ़ी तगड़ी लगती है। और हम पीछे चलते हैं, सो वो सीट जो है नॉर्मल एडजस्टेड है, जो पहले से एडजस्टेड थी, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं किया, बट उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ इसका नहीं रूम वाला रूम कैसा है। अगर चढ़ने में बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बाकी काफ़ी मस्त है। और अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखिए नी रूम कितना अच्छा है, आराम से बैठ सकते हैं आप, मेरी हाइट कुछ ज़्यादा होगी और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए रूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे बैठने में, और काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर मैं बैठा हुआ हूँ। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश, ये देखिए एकदम पूरा हेडरेस यहाँ पे मेरा आ रहा है आराम से, मुझे एकदम सीधे का सामने का व्यू दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही साइड में बैठने के लिए, बस यहाँ पे बीच में हेडरेस नहीं दिया गया है कोई भी एडजस्टेबल। और ये जो सीट कवर्स है ये अलग से लगे हुए हैं, सो मैं आपको बता दूँ ये एसेसरीज इसमें इंक्लूडेड है कुछ, यहाँ पे सीट कवर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी पूरा सीट कवर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे जो मैट्स पड़े होंगे इसके अंदर पूरी, वो अभी तो मैट्स इसमें नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बोला एसेसरीज में इंक्लूड करके देंगे जहाँ पे मैं शोरूम में हूँ, अभी बताऊँगा शोरूम पे कौन से हूँ। और यहाँ पे आइसोफिक साइड सीट बेल्ट भी दी गई है, आप देख सकते हैं। बाकी ये देखिए ऊपर से पूरा एकदम वाइट है, थोड़ा सा मेंटेन करने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे भी एयर बैग है, तो उसका मतलब काफ़ी एयर बैग दिए गए हैं, मतलब अच्छे खासे एयर बैग है, एक दो तीन चार पाँच और छः, दो दो मतलब आप एयर बैग गिन लीजिएगा, काफ़ी अच्छे एयर बैग से मैं वैसे मेंशन तो कर दूँगा बहुत सारी चीज़ें। बाकी ये रूम भी काफ़ी अच्छा था और बैठने में भी काफ़ी अच्छा लगा, इंग्रेशन एग्रेशन जो भी होता है वो लोगों को दिक्कत कोई नहीं होगी, काफ़ी सटल गाड़ी है। और हम यहाँ से मन करते हैं, वो भी सनशील्ड नहीं मिलती, हाँ ये बात मैं आपको बता दूँ, तो टेल लैम्प्स जो है काफ़ी अच्छी जलती है यहाँ से। और यहाँ पे नंबर प्लेट दिया गया है और इस पर कोई लाइट्स, जी हाँ यहाँ पे लाइट दी गई है, क्योंकि इंडिया में ऐसा वो है अगर लाइट्स नहीं होती है तो चलान हो जाता है। सो मैं अगर बूट ओपनिंग की बात करूँ तो सो यहाँ पे कोई भी फिक्स फिजिकल की नहीं दी गई है, नहीं यहाँ पे फिजिकल की दी गई है, सो इसको प्रेस करते हुए बूट ओपन हो जाता है। देखिए आप बूट का अगर मैं दिखाऊँ आपको तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस है, तो बूट स्पेस जो है 382 लीटर्स का है, देखिए काफ़ी ज़्यादा डीप है। और यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है आपको यहाँ पे बूट सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी लैंप्स सॉरी दिया हुआ है लैंप, सो इसका बटन भी दिया गया होगा और ये लैंप जल जाएगा। और बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी किट भी दी, मतलब सेफ्टी किट भी दी गई है यहाँ पे पूरी, आप इसे ज़रूर यूज़ करिए कभी भी वैसे फंसते हैं तो। यहाँ पे टायर की बात देखिए, टायर पे कैसे मिल जाता है, तो टायर इसी के अंदर होना चाहिए वैसे तो,
सो अगर मैं दिखाऊँ तो टायर यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये स्टेपनी हो मतलब छोटी होगी मेरे हिसाब से एक साइज़। और बाकी यहाँ पे भी आपको देखते हैं स्किड प्लेट जो दी गई है ये भी वाइट कलर में दी गई है, मतलब डुअल टोन है, तो पूरा कोशिश ये की गई है कि डुअल टोन मिलाया जाए। बाकी जो यहाँ पे दे सकते हैं टाटा की पूरा लोगो यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर ओरिजिनल डाटा है, कोई लोकल डाटा तो है नहीं, और सभी लोग जानते हैं कितने अपना स्टील के लिए मजबूत है। और वी प्राउड टू टाटा। एंड अगर मैं टैंक की कैपेसिटी बताऊँ आपको तो 44 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी आप बताइए आपको ओवरऑल कैसा लगा। बट उससे पहले मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए कितना नीट एंड क्लीन यहाँ पे वाइपर को मैनेज किया गया है, बिल्कुल फिर कोई भी वो नहीं लगेगा। बट यहाँ पे डिफॉगर नहीं दिया गया हुआ है, बट मैंने मैनेज काफ़ी अच्छा किया गया, डिफॉगर भी दे दिया था तो कोई दिक्कत नहीं होती। शार्पिन एंटीना भी मिल जाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। एंड बाकी ओवरऑल यहाँ पे कोई भी अलग एक्सेसरी नहीं है, रूफ रेल इंस्टॉल्ड है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि रूफ रेल इसी में मिल जाती है। बाकी चलिए अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्राइस इतनी बड़ी है। सो गाइस प्राइस की बात करते हैं तो 12,40,000 में यहाँ पे एक्स शोरूम स्टार्ट हो जाती है। मैं लखनऊ बुद्धेश्वर में हूँ, यहाँ पर एक्स शोरूम जो प्राइस है यहाँ का 12,40,000 रुपये है। और अगर ऑन रोड की बात करता हूँ तो 12,53,000 रुपये विद एसेसरीज मिल जाती है आपको, उसमें मैट्स मिल जाते हैं और सीट कवर्स मिल जाते हैं इंक्लूडेड। बाकी सारी एसेसरीज है जो कि आप यहाँ शोरूम पे आके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक का नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा मैं डिस्प्ले पे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा गाड़ी, और ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए फॉलो करिए ऑटोमोबाइल को और सब्सक्राइब करिए।